दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 8 सितंबर 2019 रविवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट है। 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कुछ भर्तियों के लिए आपको एग्जाम भी नहीं देना होगा और ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इस वीडियो में हम आपको इन टॉप 10 भर्तियों की पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किन विभाग के अंतर्गत कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकली है, क्या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की यानी कि 8 सितंबर 2019 की टॉप 10 भर्तियों की पूरी जानकारी। जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में। UPPCL के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी की। 296 खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। सैलरी 44,900 लेवल 7 के अंतर्गत पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। जनरल या OBC या EWS कैटेगरी के लिए ₹1,000 अप्लाई शुल्क है। SST कैटेगरी जो UP के हैं उनके लिए ₹700 अप्लाई शुल्क है। PH कैंडिडेट्स के लिए ₹10 अप्लाई शुल्क है। शुल्क आप ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से या फिर ऑफलाइन तरीके से SBI चालान से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है इंडिया में किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हो। upenergy.in/UPPCL ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 सितंबर 2019 है। जी हाँ दोस्तों, इसके ऑफिशियल पोर्टल पर 23 सितंबर 2019 को ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। आप तभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 अक्टूबर 2019 है। लास्ट डेट फीस पेमेंट की 18 अक्टूबर 2019 है। ऑनलाइन टेस्ट जो टेंटेटिव डेट यहाँ पर घोषित की गई है वो है 2nd week of November 2019। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट है इसमें आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी सेविका की। वहीं बात नंबर ऑफ वैकेंसीज की जाए तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज नोटिस से चेक कर सकते हो। सैलरी की बात की जाए तो नोटिस से आप चेक कर सकते हो। 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। आयु की गणना 5 सितंबर 2019 से की जाएगी। कोई भी आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा और ना ही कोई एग्जाम देना होगा और ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा। डायरेक्ट एजुकेशन मेरिट के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ICDS BIH.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 5 सितंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 19 सितंबर 2019 है। वहीं बात डेट ऑफ आम सभा की जाए तो 2 से 15 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर 28 खाली पद है। सैलरी 72,000 से 1,15,200 है। BB Tech अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 37, 41 और 45 वर्ष आयु सीमा है। इस भर्ती के लिए भी आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में किसी भी राज्य से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। engineersindia.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 सितंबर 2019 थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 सितंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकले ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में। पोस्ट है स्किल्ड मैन पावर की। 2,484 खाली पद है। सैलरी 9,381 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। इस भर्ती के लिए ITI ट्रेड सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। जनरल या OBC कैटेगरी के लिए ₹500 अप्लाई शुल्क है। SC ST PH कैंडिडेट्स को ₹250 अप्लाई शुल्क जमा करना होगा। शुल्क आप NEFT या फिर RTGS से जमा करा सकते हो।
ये भर्ती भी बिना किसी एग्जाम की है, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। न्यू डेली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। BECIL.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन 6 सितंबर 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं। आप 16 सितंबर 2019 तक डायरेक्टली सभी इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ही निकली है। इसमें पोस्ट है अनस्किल्ड मैन पावर की, 1500 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 47,613 है। इस भर्ती के लिए मिनिमम 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 45 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क जनरल या OBC के लिए 500 रुपये है, ST PH के लिए 250 है। NEFT या RTGS से आप शुल्क जमा करा सकते हो। बिना एग्जाम की भर्ती है, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। न्यू डेली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। BECIL.com ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन 6 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। आप 16 सितंबर 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी BECIL के अंतर्गत ही निकली है। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने मेंटेनर और जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर नया नोटिस जारी कर दिया है। 47 वैकेंसीज है, 25,000 और 35,000 पर माह के लिए सैलरी है अलग अलग पोस्ट के लिए। ITI और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स मैक्सिमम आयु सीमा है। जनरल या OBC के लिए 500 रुपये अप्लाई शुल्क है, ST PH के लिए 250 रुपये है। ये शुल्क आप डिमांड ड्राफ्ट से ही जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। डेली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप आवेदन सेंड कर सकते हो। BECIL.com इसका ऑफिशियल पोर्टल है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 16 सितंबर 2019 है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के अंतर्गत ही आपको एड्रेस दिया गया है जिस पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद में सेंड करना होगा। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में। पोस्ट है असिस्टेंट और क्लर्क की, 106 खाली पद है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। वहीं बात ऑफिशियल पोर्टल की जाए तो drbdi.ndigul.net इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में, BCAS के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर एविएशन सिक्योरिटी ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर एविएशन सिक्योरिटी असिस्टेंट और डिस्पैच राइडर की, 128 टोटल खाली पद है। लेवल 2, 6, 7 और 10 के अंतर्गत सैलरी अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। कम से कम 18 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क की जानकारी की बात की जाए तो आपको जमा नहीं करना होगा। रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। न्यू डेली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। bcsindia.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती की बाकी की जानकारी चेक कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 18 सितंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 9 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बैंक बोर्ड ब्यूरो में। पोस्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, वेरियस खाली पद है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो वो भी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। मिनिमम 45 और मैक्सिमम 57 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। banksboardbureau.org.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 16 सितंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टेट हेल्थ सोसाइटी में। पोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, 126 खाली पद है। सैलरी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए 42,000 पर मंथ के लिए है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर IT के लिए 40,000 रुपये पर मंथ के लिए है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए 20,000 रुपये पर मंथ के लिए है और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेट के लिए 25,000 पर मंथ के लिए है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 और 21 वर्ष है मिनिमम। जनरल या OBC के लिए 300 रुपये अप्लाई शुल्क है। SC ST EX सर्विसमैन के लिए 150 रुपये है।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 12 सितंबर 2019 है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट 11 अक्टूबर 2019 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी के रविवार की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको बिन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से सभी की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी के प्रोवाइड किए गए हैं और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आप सिंपली किसी भर्ती का आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले पहले सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।